बीजेपी सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को हिसार से बीजेपी सांसद ब्रजेंद्र सिंह का समर्थन मिला है। ब्रजेंद्र ने ट्वीट कर लिखा है, मैं हमारे पहलवानों के दुख और उनकी विवशता को समझ सकता हूँ, जिससे उन्हें अपनी उम्र भर की मेहनत से जीते ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल्स को हमारी पावन गंगा नदी में फेंकने जैसे विचार तक पहुंचने पर मजबूर होना पड़ा। ब्रजेंद्र सिंह ने इससे पहले पिछले महीने भी ट्वीट कर पहलवानों को अपना समर्थन दिया था। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था, सड़कों पर हमारे पहलवानों को प्रदर्शन करते हुए देखना निराशाजनक है। ब्रजेंद्र सिंह अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के साथ 2014 के हरियाणा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। इससे पहले वो 3 कृषि कानूनों का विरोध भी कर चुके हैं, जहां उन्होंने किसानों को अपना समर्थन दिया था। आपको बता दें कि इस पूरे विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने हरिद्वार में गंगा में प्रतीकात्मक रूप से अपने पदक विसर्जित करने की घोषणा की थी। शाम को पहलवान हरिद्वार पहुंच भी गए थे, जहां आखिरकार किसान नेता नरेश टिकैत ने उन्हें ये करने से रोक लिया। किसान नेता टिकैत ने सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया और आंदोलनकारी पहलवानों के समूह से पदक ले लिए। आपको बता दें कि ब्रजेंद्र सिंह से पहले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज पहलवानों का समर्थन करने वाले उत्तरी राज्य के पहली प्रमुख आवाज थे। इस महीने की शुरुआत में अनिल विज ने सार्वजनिक रूप से उन एथलीटों के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया था। देखिए, वो सारा विषय और क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्स विभाग का मंत्री रहा हूँ, मैं पूरी तरह से खिलाड़ियों के साथ हूँ। अगर मुझको कहीं ऊपर सरकार में बात करनी होगी, कहनी होगी, तो मैं करूँगा, ताकि इनका सम्मान पूर्वक इनका जो है वो समझदार होगा।